रुद्राक्ष पहनने के लिए कुछ दो चार योग्यताएं जरूरी हैं। एक, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ही आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दूसरी योग्यता, आप शिव या नारायण के भक्त हैं या देवी के उपासक हैं तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे मेरे ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाएगी, आप मात्र इसलिए रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी का सवाल नहीं है, सवाल रुद्राक्ष की मर्यादा का है। इसीलिए आप अगर देवी के उपासक हैं, शिव भक्त हैं, नारायण भक्त हैं तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक और योग्यता है जो आप में और हम में होनी चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य। कोशिश करिए कि जब आप स्त्री पुरुष सहवास में रहते हैं उस दौरान रुद्राक्ष ना पहने। एक और योग्यता है जो जरूरी है और वो है रुद्राक्ष को कभी भी किसी के मैले हाथ में न लगने दूं। अगर ये बचा सकता हूं तो ही रुद्राक्ष पहनूं। ये कुछ योग्यताएं हैं जो रुद्राक्ष पहनने के लिए जरूरी है। अगर आप सूतक में हैं, किसी मरे गिरे में गए हैं या सोवर के घर में गए हैं तो आपको आपका रुद्राक्ष गंगाजल में धोकर दोबारा पहनना चाहिए। आप स्त्री हैं और पुरुष का संग करी हैं, पुरुष हैं स्त्री का संग किए हैं तो आपको आपका रुद्राक्ष गंगाजल में धोकर पुनः धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को स्वर्ण में पहनना अति उत्तम होता है। रुद्राक्ष अगर दो मुखी है, पांच मुखी है, तीन मुखी रुद्राक्ष को छोड़कर अन्य अन्य को चांदी में भी पहना जा सकता है। तीन मुखी तथा आठ मुखी और छह मुखी कहीं ना कहीं चांदी में पहनना, खासकर तीन मुखी रुद्राक्ष चांदी में पहनना मना किया जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को आपको लाल धागे में पहनना चाहिए और अन्य अन्य रुद्राक्ष को आप काले धागे में भी पहन सकते हैं। अगर आप किसी चैन में इस रुद्राक्ष को डाल रहे हैं तो तीन मुखी रुद्राक्ष को छोड़कर स्वर्ण की चैन सबसे उत्तम है और बाकी आप चांदी आदि की भी पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष के कुछ नियम हैं।